दो चरों वाले रैखिक समीकरण। हम लोगों ने बहुपदों के बारे में तो जान चुके हैं। बहुपद में क्या होता है? बहुपद में दो चीज़ें होती है, एक होता है चर और दूसरा होता है अचर। चर क्या होता है? चर मतलब ऐसे मान जिनके ऐसे मान जो हमें ज्ञात नहीं है, उनके बारे में हमें ये नहीं पता है कि उनका मान क्या होगा, तो इन्हें हम अंग्रेजी के अक्षरों से दर्शाते हैं, जैसे एक्स है, वाई है और जेड है, ज़्यादातर हम इन्हीं का उपयोग करते हैं। और अचर क्या है? अचर ऐसे मान जो डिफाइंड है, फिक्स है, वो कभी भी बदलेंगे नहीं। जैसे कोई अंक होगी, कोई संख्या होगी, 5 है या -3 है या मान लो 2/5 है, तो ये सभी क्या है? फिक्स है, ये मान कभी बदलेंगे नहीं। अब इन्हीं को बना करके, इन्हीं को मिला करके बनाया जाता है बहुपद। तो बहुपद में जैसे मान लो 5x है या 3x² है या 13x³ प्लस 2x है या 5x³ प्लस 7x माइनस 3। अब ये सब क्या है? ये बहुपद है। यहाँ पे इसकी घात पूरे की अधिकतम 1 है, तो ये एक घात वाला रैखिक बहुपद है। ये द्विघाती क्वाड्रेटिक है, ये त्रिघाती है, ये भी त्रिघाती है, पर ये एक पदी, क्योंकि इसमें केवल एक ही पद है। ये भी एक ही पद वाला है, एक पदी है, इसमें दो पद है तो ये द्विपदी है, और ये तीन पद है तो तीन पद वाला है। तो ये सारी जानकारी हमें मिल गई थी। लेकिन अब समीकरण क्या है? तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें जानेंगे। एक तो समीकरण, समीकरण में भी रैखिक समीकरण, और दो चर वाले। तो समीकरण सबसे पहले क्या है? अगर इसी तरह किसी बहुपद के अंदर बराबर का निशान है, सामने की तरफ अगर जीरो या कोई भी संख्या लिखी है, तो ये बराबर का अगर निशान आ जाता है, तो ये सब क्या बन जाते हैं? समीकरण। अब ये सभी समीकरण हैं, तो बराबर का निशान होना उसमें बहुत ज़रूरी है, तभी वो समीकरण माना जाएगा। और दूसरा, रैखिक क्यों? यानी हम सिर्फ और सिर्फ एक घात वालों के बारे में पढ़ेंगे, यानी हम क्वाड्रेटिक को नहीं पढ़ेंगे, हम ये तीन घात वाले को, त्रिपदी को भी, तीन घात वाले को भी नहीं पढ़ेंगे, दो घात वाले को भी हम नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ एक घात वाले को पढ़ेंगे। दूसरा, दो चर। अब यहाँ पे तो केवल एक ही चर है x, लेकिन अब हम जो पढ़ रहे हैं उसके अंदर दो चर होंगे, एक x होगा, दूसरा y होगा या फिर z होगा या कुछ भी होगा, दो चर होंगे। तो वो किस फॉर्मेट में होगा? उसमें दो चर होंगे, एक तो x होगा, दूसरा उसमें y होगा। हो सकता है x के गुणा में कोई कुछ लिखा हो, कोई संख्या लिखी हो, कोई अचर राशि हो, तो यहाँ पे हम वो अचर कुछ भी हो सकता है, इसलिए a से डिनोट कर देते हैं, a दर्शा देते हैं। प्लस y के साथ में भी कुछ गुणा में कोई संख्या होगी, कोई गुणांक होगा उसके अंदर, कोई अंक होगा, तो वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो हम यहाँ पे b दर्शा देते हैं। और साथ में हो सकता है एक नियत टर्म हो, एक नियत कॉन्स्टेंट नंबर हो एक, तो वो c हो जाएगा, बराबर 0। तो ये एक उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो जाएगा दो घात वाले, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का। इसे रैखिक क्यों बोलते हैं? तो ये भी हम जानते हैं कि इसे रैखिक इसलिए बोलते हैं कि अगर आप इसका एक चित्र बनाने की कोशिश करो, तो वो आपको हमेशा एक सीधी रेखा के रूप में मिलेगा, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा मिलेगी। तो इसीलिए इसको रैखिक यानी लीनियर समीकरण बोला जाता है, इसे रैखिक समीकरण बोला जाता है। तो एक तो इसमें बराबर का निशान है, दूसरा ये एक रेखा के रूप में है, यानी एक घात वाला है, और इसमें दो चर हैं, तो दोनों चरों के ऊपर घात एक ही रहेगी, तो इसलिए इसको रैखिक समीकरण बोलते हैं। अब यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं उनमें युग्म हैं, यहाँ पर उसके युग्म आएंगे, यानी कि हम एक नहीं दो समीकरणों के बारे में पढ़ेंगे। तो अब इसे थोड़ा सा ध्यान से समझना कि सबसे पहले तो इस समीकरण को हल कैसे करते हैं। यहाँ पे जब हल शब्द आ रहा है, तो यहाँ पे हल करने का मतलब ये नहीं है कि उसे उत्तर निकाल रहा है, यानी कि उसमें x और y की पर्टिकुलर वैल्यू निकाल रहा है। जब वो हल करने को कह रहा है, तो इसका मतलब बस वो ये नहीं निकाल रहा है कि इसके ऊपर के कोई भी एक बिंदु को वो फाइंड कर रहा है। तो वो कैसे निकलेगा? तो एक उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए हमें दिया हुआ है 3x प्लस 2y बराबर 10। अब इसके हल निकालने के लिए हम देखेंगे, इसका हल निकालने का मतलब है कि हम ये देख रहे हैं कि x और y के कौन कौन से मान इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं, यानी कौन कौन सी ऐसी स्थितियां हैं, या x का ऐसा कौन सा मान है जो मैं यहाँ रखूं और y की जगह भी रख दूं तो मुझे जोड़ने पर 10 मिल रहा हो, ऐसा कौन कौन सी संभावना है। तो हम ट्राई मारते हैं, x की जगह पर हम 0 रख करके देखते हैं। x की जगह पर अगर मैं 0 रख करके देखूँ, तो ये 3x की जगह पे 0, प्लस की जगह पे प्लस, 2 की जगह पे 2, y की जगह पे y, बराबर की जगह बराबर, और 10 की जगह 10। तो ऐसे में 3 गुणा 0 तो खत्म हो गया, ये तो 0 हो गया। तो अब ये नहीं लिख रहे हम, ये पूरी टर्म ही हटा देते हैं, प्लस लिखो नहीं लिखो ये भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2y कितना हो गया? 10। तो ऐसे में y कितना हो गया? 2 और y आपस में गुणा में था, बराबर की बाउंड्री जब पार होती है तो क्या होता है? उल्टा हो जाता है। तो 2 जो गुणा में था, अब की बार भाग में लिखना है, तो y कितना आ गया? 5। यानी x जब 0 था तो y कितना आया? 5। x जब 0 था तो y कितना आया? 5।
इसे इस तरह से कोष्ठक में लिखा जाता है, तो पहले जो चीज़ लिखी जाती है उसमें x और बाद में जो चीज़ लिखी जाती है वो y होती है। तो x 0 तब y कितना है 5। क्या ये एक ही मान है इसका? नहीं, अभी देखते हैं, इसके और भी कई मान आएंगे तो उसको हम यहाँ पे देखते हैं। मान लीजिए अगर मैं x की जगह पर 2 रख देता, x की जगह पर अगर मैं 2 रख देता तो क्या होता? 3 की जगह 3 रहता। x की जगह पर मैं 2 रखता, 3 और x दोनों गुणा में है तो 3 और 2 भी गुणा में ही, प्लस का निशान 2, y बराबर का निशान और 10, तो 3 और 2 तो गुणा होकर 6 हो जाता, प्लस का 2y बराबर 10। सबसे पहले तो पदों को अलग करना है, आप 2y को पहले से अलग मत करो, ये तो आपस में गुणा में है। पहले तो आप प्लस माइनस में जो पद लिखे हुए पहले उन पदों को एक तरफ करो। 2y ये एक पद है, जब तक ये अकेला एक तरफ नहीं हो जाता तब तक आप इसे हिलाओगे भी नहीं, इसे छेड़ोगे भी नहीं। तो अब 2y आगे प्लस था वो नहीं भी लिखो चलेगा, 10, 6 जो इधर था इसके आगे कोई चिन्ह नहीं था, कोई भी चिन्ह नहीं है तो मतलब वो प्लस का ही है। अब आप दूसरी तरफ भेजोगे उसका उल्टा हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, तो 10 में से 6 गए पीछे 4 बचे, तो 2y कितना आ गया 4। अब आप इसको 2 और y को अलग कर सकते हो, तो 2 और y क्या हो गया, ये तो गुणा में है। अब आप क्या करो, इसको 2 को दूसरी तरफ भेजोगे तो भाग में भेजोगे तो 4 के भाग में 2 आ गया, यानी y बराबर आया 2। तो x जब 2 रखा तो y कितना आया 2। इस तरह से आप इसके कई मान ज्ञात कर सकते हो। कितने मान ज्ञात कर सकते हो? अनगिनत मान। अब अनगिनत मान कैसे ज्ञात कर रहे हो? दरअसल देखो ये क्या है, ये एक रैखिक समीकरण है, ये एक सीधी रेखा है, और आप ये 0 और 5 जो यहाँ पे एक बिंदु निकाला, जो उत्तर हल निकाला है, वास्तव में इस रेखा के किसी एक बिंदु को दर्शा रहे हैं। इसी तरह 2, 2, ये 2, 2 क्या कर रहा है? ये 2, 2 इसके किसी दूसरे बिंदु को दर्शा रहा है। अब इस तरह से इस रेखा के ऊपर आप कितने बिंदु निकाल सकते हो? ऐसे तो अनगिनत बिंदु निकाले जा सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे अनगिनत बिंदु निकल जाएंगे, तो इसीलिए इसके अनगिनत हल निकल जाएंगे। लेकिन ये हम छोटे लेवल पे सीखते हैं, यहाँ पे खाली ग्राफ बनाने के लिए होता है। एक बात का और ध्यान रखना कि अगर आप केवल एक ही हल निकाल रहे हो, यानी केवल एक ही बिंदु पता कर रहे हो उस लाइन का, तो आप ग्राफ नहीं बना पाओगे, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक बिंदु है। अब इस एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? आप ये भी खींच सकते थे, ये भी खींच सकते थे, ये भी खींच सकते थे, ये और ऐसे तो करके आप अनगिनत रेखाएं खींच सकते थे, अनंत रेखाएं। लेकिन अगर आपको कह दिया जाए कि दोनों बिंदु आपको अगर दोनों ज्ञात कर लेते हो, और अब इनके लिए रेखा खींचने को कहा, एक ऐसी रेखा जो दोनों को स्पर्श करती हुई जाए, तो अब सिर्फ इसके अलावा क्या कोई संभावना है? आप ऐसे घुमा करके ले रहे हो या ऐसे घुमा के ले रहे हो, तो ये रेखा कहाँ है? ये तो वक्र रेखा होगी, ये तो एक वक्र हुआ, सीधी रेखा थोड़ी ही है। तो सीधी रेखा के लिए आपको दो बिंदुओं की पता करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कम से कम आप दो बिंदु ज्ञात करोगे ताकि आप ग्राफ बना सको। अब ये तो एक ही समीकरण था, हम जो पढ़ेंगे उदाहरण, जो भी गणनाएं पढ़ेंगे उसमें दो समीकरण होंगे। दो समीकरण क्यों होंगे, क्या होंगे, जरा उसके लिए पहले हम एक उदाहरण को समझते हैं। एक व्यक्ति है, उसका नाम है आफ्ताब, ये एक व्यक्ति है, इसका नाम है आफ्ताब, और उसकी एक बच्ची है, ये होगी उसकी बच्ची, ठीक है, ये आफ्ताब की बेटी है। अब आफ्ताब और उसकी बेटी दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, बातें कब कर रहे हैं? आज के समय के हिसाब से बातें कर रहे हैं, अभी वर्तमान में, वर्तमान में। और जो बातचीत कर रहे हैं वो अपनी उम्र को लेकर के कर रहे हैं, जो बातचीत इनकी चल रही है वो इनकी अपनी उम्र को लेकर के चल रही है। अब आफ्ताब की उम्र आज की तारीख में क्या है हम नहीं जानते, तो हम उसे एक चर मान दे देते हैं एक्स। उसी तरह उसकी बेटी की उम्र भी हम नहीं जानते, आज उसकी उम्र क्या है हम नहीं जानते, तो हम उसे मान दे देते हैं वाई। अब आफ्ताब जब बात कर रहा है तो आफ्ताब बोलता है कि आज से 7 साल पहले, यानी 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले का उदाहरण देते हुए उसको बात कर रहा है। तो 7 वर्ष पहले आफ्ताब की उम्र क्या रही होगी? अब देखो, अगर आज आपकी उम्र 15 साल है तो 7 साल पहले भी आप 15 के थे क्या? नहीं थे ना। 7 साल पहले तो आपकी उम्र 7 साल कम रही होगी, 15 से 7 कम रही होगी, 8 साल के रहे होंगे। तो उसी तरह से आफ्ताब अगर अभी एक्स का है तो 7 साल पहले आफ्ताब की उम्र क्या रही होगी? एक्स माइनस 7। और उसकी बेटी की उम्र वो भी तो कम रही होगी, वाई माइनस 7। अब ये कह रहा है कि उस समय मेरी जो भी उम्र थी वो तुम्हारी उम्र से 7 गुना थी, यानी तुम्हारी जो उम्र थी उसका 7 गुना करते थे तब वो मेरी उम्र के बराबर होता था। तो अब इसके हिसाब से समीकरण क्या बन रहा है, जरा वो देखते हैं। एक्स अपनी जगह है, माइनस अपनी जगह, 7 अपनी जगह, बराबर का निशान अपनी जगह। ये 7 जो इस कोष्ठक के बाहर है, कोष्ठक के अंदर जाएगा तो हर एक को वाई को भी मिलेगा और 7 को भी मिलेगा, तो 7 वाई से भी गुणा हो जाएगा क्योंकि कोष्ठक के बाहर गुणा में है, तो अंदर हर एक के साथ गुणा होगा, 7 वाई के साथ गुणा हो जाएगा, और 7 वाई माइनस 7 और 7 भी आपस में गुणा हो जाएंगे। तो x माइनस 7 बराबर 7 y, 7 और 7 की गुणा होकर के 49 आ गया।
आपको क्या करना है, सारे चर मान एक तरफ और अचर मान एक तरफ कर दो, यानी सारे एक्स वाई को एक तरफ और सारे अंकों को दूसरी तरफ कर दो। एक्स अपनी जगह है, सात वाई यहाँ से आप दूसरी तरफ लेके जाना चाहते हो, तो यहाँ पे कोई निशान नहीं था, अब जब दूसरी तरफ जाएगा तो इसका निशान कैसा हो जाएगा, माइनस के सात वाई वाला, बराबर अपनी जगह पर है। ये माइनस का सात जो था इसे आप दूसरी तरफ, सारी संख्याओं को एक तरफ और सारे चरों को एक तरफ, तो माइनस का सात जब दूसरी तरफ जाएगा तो जैसा कि कहा हुआ है कि हमेशा उल्टा हो जाता है, माइनस सात का क्या हो जाएगा, प्लस के सात, प्लस के सात, और माइनस 49 तो है ही। अब ये देखो फिर से, ये प्लस का है ये माइनस का है, दोनों उल्टे चिन्ह हैं, तो उल्टे चिन्हों में क्या होगा, उल्टे स्वभाव में क्या होगा, अगर प्लस वाले सभी देवता लोग होते हैं और माइनस वाले सभी राक्षस लोग होते हैं तो क्या देवता और राक्षस कभी मिलजुल के रहेंगे, नहीं रहेंगे ना, उनके बीच में लड़ाई होगी, तो बिल्कुल उसी तरह इन दोनों में क्या होगा, घटाव की प्रक्रिया हो जाएगी, ये दोनों आपस में कट जाएंगे और 49 में से सात चले गए, कितने बच गए, 42। बड़ी सेना किनकी थी, राक्षसों की, जिनके आगे माइनस का निशान था, इनके आगे माइनस का निशान था, 49 बड़ी संख्या है, इसके आगे माइनस का निशान है, तो उत्तर इसी का रहेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो बड़ा संख्या था उसी के अकॉर्डिंग आंसर आएगा। तो x माइनस सात वाई बराबर माइनस के 42, ये आपको एक समीकरण मिल चुका है, ये पहली शर्त आपके पास आ चुकी है। अब इसी को आप हल करते समय उत्तर क्या पता लगा सकते हो कि अफ्ताब की उम्र और बेटी की, उसकी बेटी की उम्र क्या रही होगी, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसे तो कई संभावनाएं बनती, ये तो अगर आप इसका एक ग्राफ बनाओगे तो आपको एक सीधी लाइन मिलेगी, अब इस सीधी लाइन पर तो ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं, उनमें से कई संभावना है, ये भी उसका उत्तर हो सकता है, ये भी हर बिंदु उसका एक उत्तर की संभावना व्यक्त कर रहा है, तो हम किसको उसका उत्तर माने, कौन सा संभावना सही होगी, हम ये कैसे के पता करेंगे, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, उसकी एक और शर्त के दम पर देखेंगे। क्या होता है, जितने चर राशियां होती है उस समीकरण को एग्जैक्ट उत्तर ज्ञात करने के लिए, उसका सही उत्तर ज्ञात करने के लिए उतनी ही समीकरणों की आवश्यकता होती है, जितने यहाँ पे चर होंगे उतने ही आपको समीकरण की जरूरत पड़ेगी। अगर यहाँ पे दो चर है, यहाँ पे दो चर है तो कितने समीकरण चाहिए, दो समीकरण। अगर यहाँ तीन चर होते तो कितने चाहिए थे, तीन समीकरण। अगर यहाँ चार चर होते तो आपको समीकरण कितने चाहिए थे, चार। तो जितने चर होंगे उतने समीकरणों की जरूरत होगी, इस बात को ध्यान में रखना है आपको। तो अब हमें दूसरा समीकरण पता करना पड़ेगा, तो दूसरे समीकरण के लिए अफ्ताब उसे आगे और बातचीत कर रहा है। वो क्या कह रहा है कि आज से तीन साल बाद, आज से तीन वर्ष बाद, अब वो कह रहा है कि तीन साल बाद क्या हो जाएगा, तो तीन साल बाद अफ्ताब की उम्र कितनी हो जाएगी, जो भी आज थी, आज तो कितनी थी, एक्स थी, अभी तो ये बात कर रहा है, तो इससे तीन ज्यादा हो जाएगी। इससे बेटी की उम्र कितनी हो जाएगी, आज कितनी है, वाई, तीन साल बाद कितनी होगी, वाई में तीन और जुड़ जाएंगे। तो ये कह रहा है कि उस समय तुम्हारी जो उम्र होगी, तुम बेटी को कह रहा है कि तुम्हारी जो उम्र होगी वो मेरी उम्र के तीन गुणे के बराबर होगी, तुम्हारी उम्र का तीन गुणा मेरी उम्र के बराबर हो जाएगा। तो यानी ये एक समीकरण मिल जाएगी। अब इसको हल करते हुए पूरा अंतिम समीकरण निकाल देते हैं, तो x प्लस तीन बराबर हो जाएगा, तीन और y के गुणा करोगे तो कितना, ये तीन कोष्ठक के बाहर है, अंदर हर एक पद से गुणा होता जाएगा, जितने भी पद हैं यहाँ पे दो ही पद है, y और तीन, तो दोनों से गुणा होगा, तीन और y की गुणा होकर के तीन y, प्लस की जगह प्लस, तीन और तीन गुणा होकर के कितना हो गया, नौ। तो x बराबर, अब देखो सारे चरों को आप उल्टे हाथ की तरफ एक तरफ लेके जाओगे, तीन वाई, जो यहाँ पे कोई भी निशान नहीं था मतलब प्लस का था, तो अब उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस के तीन वाई हो जाएगा, नौ जो कि प्लस का था, इसके आगे प्लस लिखो नहीं लिखो चलेगा, लेकिन चलो अब लिख देते हैं, तीन जो यहाँ पे था दूसरी तरफ चला जाएगा, यहाँ पे तीन प्लस का था, दूसरी तरफ जाके क्या होगा, माइनस का तीन। तो एक्स माइनस तीन वाई बराबर नौ माइनस तीन कितना हो गया, छः। ये हमें मिल गया दूसरा समीकरण, दूसरा समीकरण भी हमें मिल गया। अब इसकी मदद से हम क्या करते हैं, इसकी मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि अफ्ताब और उसकी बेटी की उम्र क्या होती है, लेकिन ये हम अगले वीडियो में सीखेंगे, यहाँ हम ये नहीं सीखेंगे कि इसको कैसे उम्र को पता लगाएंगे, लेकिन हमें दो समीकरण मिल चुके हैं। अब हम इसकी मदद से यहाँ पे सिर्फ ग्राफ बनाना सीखेंगे। अब ग्राफ जो बनता है, ग्राफ कैसे बनता है, उस ग्राफ को जरा समझेंगे। अब जरा यहाँ देखिए, जो ग्राफ होगा वो इस तरह का दिखेगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इस ग्राफ में दो तरह की लाइनें दिखेंगी, कुछ लाइनें जो सीधी ऊर्ध्वाधर खड़ी है यानी कि वर्टिकल, कुछ लाइनें जो क्षितिज रूप से आडी पड़ी हुई है यानी कि क्षितिज यानी हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो तरह की लाइनें मिलेगी। इन दोनों लाइनों में से आप एक खास तरह की लाइनों को, इन क्षितिज लाइनों को एक्स एक्सिस का नाम दे दोगे और सभी ऊर्ध्वाधर लाइनों को आप वाई एक्सिस का नाम दे दोगे। अब इसमें आपको ग्राफ बनाने के लिए इसी समीकरण को इस ग्राफ के अंदर यूज़ करना है। हम समीकरणों से वो सारे बिंदु, संभावित बिंदु ज्ञात कर लेंगे जिसके ऊपर हमें जो उस, हम सबसे पहले तो समीकरण की मदद से वो सारे संभावित बिंदुओं को पता कर लेंगे
जो बिंदु उस रेखा पर मौजूद है, और ऐसा हमें सिर्फ दो ही बिंदु ज्ञात करने, एक समीकरण के लिए केवल दो बिंदु, क्योंकि अभी भी समझाया था कि दो बिंदु अगर होंगे तो हम उनके बीच में रेखा को खींच सकते हैं। एक बिंदु से तो आप हजार बिंदु रेखाएं खींच सकते हो, करोड़ों खींच सकते हो, और दो से ज़्यादा की हमें ज़रूरत ही नहीं है, तो एक्स्ट्रा मेहनत करने का कोई मतलब ही नहीं है। हमारा काम दो से हो रहा है तो हम अब 10, 15, 20 किस लिए पॉइंट पता कर रहे हैं, उसका कोई रोल ही नहीं है। तो हम सिर्फ दो बिंदु पता करेंगे और अब हम उसमें से हर एक बिंदु को देखेंगे। सबसे पहले पहला जो अंक है वो एक्स को दर्शाता है, तो हम एक्स एक्सिस पे देखेंगे कि दो वो नंबर कहाँ आ रहा है, और फिर उसको हम वाई एक्सिस के ऊपर जाते हुए वापस देखेंगे वाई एक्सिस पे उस बिंदु की परछाई जो नंबर चाहिए उस नंबर पे कहाँ जाके बन रही है, और इस तरह से हम अपने बिंदु को ढूंढ लेंगे, बिंदुओं को मिला लेंगे और हमें वो ग्राफ मिल जाएगा। अब जरा एक और उदाहरण को हम देखते हैं। अगले उदाहरण में क्या है कि कोई क्रिकेट का मैच हो रहा था, उस क्रिकेट मैच के लिए एक तो बॉल की ज़रूरत थी और दूसरा बैट की, बॉल की और बैट की, तो बॉल और बैट, अब इन दोनों की जो कीमत है ये तो हम जानते भी नहीं हैं। तो मान लो बॉल की कीमत थी एक्स रुपये, बैट की कीमत थी वाई रुपीज़। अब कोच ने क्या किया, कोच उस बैट और बॉल को लेने गया, तो पहली स्थिति में जब वो लेने गया था तब वो 6 बॉल लेके आया था, 6 बॉल, और वो बैट लेके आया था 3 बैट लेकर के आ गया। तो अब 6 बॉलों के लिए कितने रुपये देगा, एक बॉल के लिए एक्स दे रहा है तो 2 के लिए 2x, 3 के लिए 3x। देखो सिंपल सी बात है, अगर मान लो आप कहीं पे पेन खरीदने जा रहे हो, अब एक पेन के लिए अगर आप 10 रुपये दे रहे हो तो 2 पेन के लिए 10 के कितने नोट दोगे, 2 दोगे, 3 के लिए 3 दोगे, 4 के लिए 4 10 दोगे, यानी जितने प्रोडक्ट हैं उतने ही गुना उसकी कीमत देनी पड़ेगी। तो 6 बॉल के लिए 6 बार x देना पड़ेगा, इसी तरह 3 बैट के लिए 3 बार y देना पड़ेगा, और 6 बार x और 3 बार y ये जब पेमेंट किया तो टोटल जो बिल बना वो बना था 3900 का। तो ये देखा जाए तो हमारे पास क्या हो गया, ये एक समीकरण हमें यहाँ से मिल गई, ये आ गई हमारे पास एक समीकरण। इसी तरह से सेकंड केस, वो फिर से जब गया, फिर से जब वो बैट और बॉल लेने गया तो फिर से उसने 3 तो बॉल खरीद ली और उसने एक ही बैट खरीदा, इस बार उसने केवल एक ही बैट खरीदा। अब फिर से उसने 3 बॉल के लिए 3x और 1 बैट के लिए उसने 1y, क्योंकि 1 बैट के लिए y कीमत दे रहा है, तो 1y पेमेंट किया और इस तरह से बिल बन गया 1300 रुपये का। यानी इस दूसरे केस से हमें दूसरा समीकरण मिल चुका है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हो, पहले से ही सारी चर राशियाँ उल्टे हाथ की तरफ है और अचर सभी सीधे हाथ की तरफ है, इसमें भी यही सारे चर एक तरफ और अचर दूसरी तरफ है, तो हमें यहाँ पे ज़्यादा कुछ मेहनत करनी ही नहीं पड़ी, ये हमें बहुत ही आसानी से मिल गए। तो अब इन ग्राफ से हमें उत्तर कैसे पता चल जाता है, हमें ये कैसे पता चलेगा कि बॉल की कीमत क्या थी, बैट की कीमत क्या थी। तो आप जो ग्राफ, ये दो रेखाखंड बनाओगे, इन दोनों समीकरणों से जो आप ग्राफ के अंदर रेखाएं खींचोगे, इन रेखाओं के अंदर दरअसल तीन तरह की संभावनाएं बनेंगी। या तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट देगी, जिस बिंदु पर ये काट रही है वो बिंदु ही एक्स और वाई का मान बता देगा, यानी वो इन दोनों का उत्तर बता देगा। लेकिन संभावना ये भी थी कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर ही चले, कभी भी एक दूसरे को टच ना करे, कभी कोई संभावना ही ना हो कि एक दूसरे को छू भी पाएंगी, कभी भी नहीं, तो समानांतर है, अब वो तो हमेशा समानांतर ही बनी रहेगी, तो ये भी संभावना, ऐसे में कभी कोई उत्तर भी नहीं निकलेगा, वो कभी हल भी नहीं हो सकते। तीसरी संभावना थी कि वे दोनों रेखाएँ एक के ऊपर एक हो, यानी संपाति हो, कोइंसिडेंट हो, तो यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही, यहाँ पर पैरेलल हो रही, यहाँ कोइंसिडेंट है, तो ऐसी कंडीशन में ये सभी बिंदु उसके आंसर है, यानी कि कई सारे आंसर निकलेंगे, कई सारे संभावनाएं यहाँ पे बन जाएगी। तो इस तरह के 3 केस आप देखोगे। लेकिन क्या हम बिना ग्राफ बनाए ये पता कर सकते हैं, किसी को समीकरण को क्या सिर्फ देख करके ये बताया जा सकता है कि इसकी जो ग्राफ होगा, इसकी जो संभावना है वो क्या है, उत्तर देगा भी या नहीं देगा, और देगा तो कितने देगा, एक देगा या बहुत सारे देगा। याद रखना, बिना हम उसको हल किए क्या हम ये बता सकते हैं कि ये जो समीकरण है, ये जो प्रश्न है, इसमें उत्तर निकलेगा भी या नहीं निकलेगा, और अगर निकल रहा है तो केवल एक निकल रहा है, एक से ज़्यादा निकल रहा है, तो बिल्कुल हम बिना ग्राफ बनाए, बिना उसे हल किए भी पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, मान लीजिए आपके पास दो समीकरण दिए हुए हैं, जो पहला समीकरण है वो है x, और क्योंकि y चर का ही है तो x के गुणा में गुणांक जो है कोई अचर होगा। अब हम यहाँ पर नाम दे देते हैं उसे a1, क्योंकि दो समीकरण हैं तो दोनों के लिए अलग अलग नाम रखने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे x के गुणा में 6 था तो यहाँ तो x के गुणा में 3 है, तो दोनों के गुणा में अलग अलग राशियाँ हैं, अलग अलग संख्या हैं, बिल्कुल यहाँ पे भी हो सकता है, इसलिए हम इन्हें 1 नाम से दे देते हैं। प्लस y के गुणांक क्या होगा, मान लीजिए b1, और एक नियत संख्या क्या होगी, c1 = 0।
अब दूसरी तरफ देखिए, दूसरे समीकरण में क्या होगा, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो। इस तरह से हमें मान लीजिए दो समीकरण दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, इन दोनों के खाली गुणांकों का, समान गुणांकों का, समान पदों के गुणांकों का अनुपात निकालना है। जैसे ए वन बटा ए टू ज्ञात कर लीजिए, इसी तरह बी वन बटा बी टू को ज्ञात कर लीजिए, और इसी तरह से सी वन बटा सी टू को भी ज्ञात कर लीजिए। इन तीनों को आप ज्ञात कर लीजिए और आप ये देखिए कि क्या मान प्राप्त हो रहे हैं। जो मान प्राप्त हो रहे हैं उसमें अब, क्योंकि तीन तरह की यहाँ पे कंडीशंस हो सकती है, तो आपकी तीन संभावनाएं बनेंगी। पहली संभावना कि ए वन बटा ए टू बराबर नहीं है, बराबर नहीं है बी वन बटा बी टू के। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, और प्रतिच्छेदित करती है मतलब उसका हल निकलेगा और केवल एक निकलेगा। अब यदि वे दोनों ही आपस में बराबर हैं, ए वन ओ टू बी वन बी टू और सी वन सी टू भी अगर बराबर है, तो ऐसे में पूरी संभावना यही है, यानी ऐसा ही होगा, संभावना तो क्या है, यही होगा कि उसके बहुत सारे हल निकलेंगे, क्योंकि दोनों रेखाएं संपाती कोइंसिडेंट है, तो इसके भी हल निकलेंगे, लेकिन बहुत सारे निकलेंगे, कोई एक हल नहीं निकलेगा। और अगर तीसरे संभावना हम देखते हैं कि अगर हमारे पास आ जाए कि ए वन बटा ए टू और बी वन बटा बी टू बराबर थे लेकिन बराबर नहीं था सी वन बटा सी टू, उस स्थिति में दोनों ही समानांतर होगी। अब यहाँ पे कभी कोई हल नहीं निकलेगा। इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण को देखते हैं। आपको दो समीकरण दिए हैं, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर जीरो। इस तरह से हल करते समय आप ध्यान रखना कि बराबर में जीरो रहे, सारी राशियाँ उल्टे हाथ की तरफ लेकर के आनी हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि सारी राशियाँ उल्टे हाथ की तरफ लेकर के आनी हैं, ताकि आपको तुलना करने में ज़्यादा दिक्कतें न रहें, वरना हो सकता है कहीं किसी जगह पर आप कन्फ्यूज हो जाओ। बाकी अगर आप कर सको, ऐसा भी नहीं कि आप कर ही नहीं पाओगे, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत संभावना रहेगी कि आप कंफ्यूज हो सकते हो अगर आपकी गणित थोड़ी सी कमज़ोर है तो। a1 कितना है x के गुणा में, 5। b1 मतलब y का गुणांक कितना है, 4 माइनस वाला जो चिन्ह है उसी चिन्ह के साथ में इन चीज़ों को लिखते रहना है। c1 कितना है, नियत राशि 8 प्लस का है, प्लस तो नहीं लिखो तब भी चलेगा, बाकी तो राशियाँ आपको लिखनी है। इसी तरह a2 b2 और c2 इनका भी पता लगा देते हैं। A2 कितना है x के गुणा में, कितना लिखा हुआ है 7। B2 कितना है y के गुणा में, 6 प्लस का ही था। C2 नियत संख्या क्या थी, माइनस के 9। अब देखो क्या a1 बटा a2 यानी ये और ये 5/7 आ रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ b1 बटा b2 को भी ज्ञात कर लेते हैं। b1 कितना है, माइनस का 4, और ये कितना है 6। अगर देखा जाए तो इसमें 4 में भी 2 का भाग, 6 में भी 2 का भाग जा रहा है। 4 कैसे बना होगा, माइनस के 2 × 2 से। 6 कैसे बना होगा, 2 × 3 से, तो 2 से 2 तो कट रहा है। तो b1 बटा b2 कितना आया, b1 बटा b2 कितना आ रहा है, माइनस तो अब भी पड़ा है 2/3। क्या ये दोनों बराबर है, वो 5/7 और 2/3 बराबर है, नहीं ये बराबर नहीं है। यानी कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। ऐसे में ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी, इसका हल निकलेगा और केवल एक हल निकलेगा, क्योंकि ये तो प्रथम केस को सेटिस्फाइड कर रहा है। अब फिर से हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल 2। फिर से दो समीकरण दिए हुए हैं, 6x - 3y + 10 बराबर जीरो, 2x - y + 9 बराबर जीरो। अब a1 b1 c1 पहले समीकरण के लिए हम निकालेंगे, और फिर इसी तरह से a2 b2 और c2 ये हम दूसरे समीकरण के लिए निकालेंगे। a1 मतलब x के गुणा में 6, b1 मतलब y के गुणांक -3, c1 मतलब 10, a2 मतलब x का गुणांक 2, b2 मतलब y का गुणांक -1, c2 मतलब 9। अब जरा a1 बटा a2 ज्ञात करके देखते हैं। a1 बटा a2, a1 कितना है 6, a2 कितना आया हुआ है 2, 6 में 2 का भाग गया 3 बार। जरा b1 बटा b2 भी निकालते हैं, b1 बटा b2, b1 कितना है -3, b2 कितना है -1, माइनस से माइनस कट गया, 3 के अंदर 1 का भाग, 3 में 1 का भाग कितनी बार गया 3 बार। इसी तरह से आप c1 बटा c2 भी निकाल देते हैं, c1 बटा c2, c1 कितना है 10, c2 कितना है 9, इनमें तो कुछ भी नहीं कट रहा। तो देखा जाए तो a1 बटा a2 3 आया था, और b1 बटा b2 ये भी 3 आया था, ये दोनों बराबर है, a1 बटा a2 भी 3 है, b1 बटा b2 भी 3 है, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, क्योंकि ये तो 10 बटा
9 आ रहा है, a1 बटा a2 ये 3 है, b1 बटा b2 ये भी 3 है, लेकिन c1 बटा c2 ये 3 नहीं आ रहा, मतलब ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं आ रहा, तो ये कौन सा केस हो गया? ये तो हो गया कि ये दोनों समानांतर है, ये दोनों समानांतर है, ये आपस में कभी नहीं मिलेगी, मतलब कि इनका कभी कोई हल नहीं निकल पाएगा। तो इसके अलावा ग्राफ के अलावा भी एक तरीका होता है, ग्राफ के अलावा हम हल कैसे निकालेंगे? ये तो चलो हमने हल नहीं निकाला, यहाँ पे खाली ये पता चल रहा है कि निकलेगा या नहीं निकलेगा, लेकिन अगर हल निकालना हो तो कैसे निकलेगा वो सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।